वाले एक वकील ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम संजू मेहरा है। उदयपुरा में रहने वाले पेशे से वकील संजू ने दो दिन पहले जहर खा लिया था, लेकिन शुक्रवार रात को संजू मेहरा की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल जहर खाने से पूर्व मृतक द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया था, जिसमें उन्होंने पत्नी के अवैध संबंध होने की बात कही थी। इसमें एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम योगेश है, उसके अलावा एक और अन्य महिला का जिक्र भी सुसाइड नोट में किया गया है। कुछ दिन पूर्व ही मृतक द्वारा रजिस्ट्री गुम जाने की शिकायत पंडरीनाथ थाने पर की गई थी। मैंने स्टेटस डाला तो हम मतलब गए कि भाई ये स्टेटस ऐसा किस क्यों डाला है, क्या हो गया है। तो उन्होंने यही कहा कि भाभी इसका अफेयर है, ये द्विवेदी के साथ में है और इसलिए मैंने ये स्टेटस डाला है। तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, समझते अपन इसे। तो बोले कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने काफ़ी सब बताया, तो यही है कि फिर एविडेंस बताए। भाभी मैंने मतलब कि इतना टेंशन में हूँ, मैं कुछ कर लूँगा, ये मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इन्होंने 24 तारीख को कीटनाशक दवा खाई थी जल्लाद करके, उसके बाद से ये हॉस्पिटलाइज थे एम्बाइट में। इनके बयान लेने के लिए दो या तीन बार कोशिश की गई, दोनों तीनों बार ये बयान देने की स्थिति में नहीं थे, इस कारण इनके बयान नहीं हो पाए हैं। इनके घर से जो कीटनाशक दवा और सुसाइड नोट जब्त किया गया है और उसके आधार पर बयान लेकर अग्रिम जांच में कार्रवाई की जाए। कोई आरोप लगाए, कोई आरोप इनकी पत्नी का किसी से संबंध था, उस संबंध को लेकर इन्होंने सुसाइड नोट पर लिखा है, उसके आधार पर जाँच के बाद कार्रवाई की जाए।